मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। मैं श्री ओम बिरला जी को लोकसभा के अध्यक्ष की गौरवपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। उनके पास सार्वजनिक जीवन का बहुत व्यापक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौशल से नई ऊंचाई से देने में सफल होंगे। माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों को की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते चार दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं। माननीय सदस्यगण, 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वीं वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जनकल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक
प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार का मत है कि दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो, यही कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्यों के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया। चलिए तो संसद के संयुक्त सत्र का संबोधन करती हुई राष्ट्रपति मुर्मू, और आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो आज से शुरू हो जाएगी और 18वीं लोकसभा की जो पहला सत्र गत सोमवार से शुरू हो चुका है और आज से 264वां सत्र राज्यसभा का जो है वो शुरू होने वाला है। और अपने अभिभाषण में न सिर्फ जनता को चुनाव के लिए धन्यवाद दिया गया, बल्कि चुनाव आयोग से लेकर जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ चढ़ कर चुनाव और मतदान हुआ है, तमाम बातों को अपने भाषण में व्यक्त करती हुई राष्ट्रपति मुर्मू।